कई सारे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसमें मैं देख रहा हूं भारत सरकार की कई सारे मर्यादाजनक इंस्टीट्यूशंस की प्रमुख भी हैं, राज्य सरकार की यूनिवर्सिटियों की भी प्रमुख हैं, निजी विश्वविद्यालय की कई सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं और मल्टी डायमेंशनल ग्रुप है ये। मैं सबसे पहले यूजीसी को धन्यवाद देता हूं, आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन को नीचे ले जाने के लिए सबसे जो एनईपी को नीचे ले जाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन इकोसिस्टम में, यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन, कुछ कॉलेज, कुछ ऑटोनोमस कॉलेज की भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। ऐसे सारे प्रमुख शिक्षाविदों को एकत्रित करके ये सेकेंड राउंड टेबल आपने ऑर्गेनाइज किया, 2024 में ये सेकेंड राउंड टेबल है। ऐसे सीरीज ऑफ राउंड टेबल आपकी आने वाले दिनों में कल्पना है, मैं आपको शुभेच्छा देता हूं। निश्चित रूप में यूजीसी लेट इस प्रकार की राउंड टेबल कई सारा विषय में क्लैरिटी लेके आएगी। एनईपी को अभी तक आप लोगों ने अपने तरीके से इंडिविजुअली और कुछ कलेक्टिव रिपोर्ट से आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया होगा, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी फॉर्मली इनफॉर्मली इस प्रकार की राउंड टेबल में चर्चा होने वाला है। और हम सबकी एक सामूहिक प्रयास से एक होलिस्टिक, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी जेनरेशन बनाने में हम लोगों की एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा कर पाएंगे। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मित्रों, मेरे जो तीन पूर्ववक्ती वक्ताओं ने अपने विषय को रखते हुए आपके सामने कुछ अपेक्षा रखे हैं, मैं भी आपके सामने कुछ अपेक्षा रखता हूं। कुछ मेरे दृष्टि से आने वाले दिनों में हम सभी के भूमिका क्या रहेगा और हम लोगों के सामने चुनौती क्या है, मैं कोई नया चीज आपके सामने वर्णन नहीं करने वाला हूं, लेकिन मेरे दृष्टि से कुछ चीजों को एक कम शब्दों में रखने का हम कोशिश करें। तो पिन पॉइंटेड अपेक्षा क्या है? जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।